जी हमारे पास है गाड़ी कैप्टिवा, इसकी साइड प्रोफाइल डोर और ये उफ, ये साउंड है ना डोर का कमाल है। इधर हम लगाएंगे जी चार्जर, एसी से ठंडा नहीं कर रहा, अभी इधर गाड़ी धूप में खड़ी थी तो बहुत ही गर्मी है। इसका सिस्टम देख लें, ये सीन और ये इसकी सीट्स, बैक की सीट्स। ओके 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 और ये भी बहुत कमाल है शेवरलेट कैप्टिवा। कैप्टिवा इसमें भी रिवर्स में कैमरा है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ये अच्छी क्वालिटी का कैमरा नहीं है, बट है कैमरा जो है ना, हम इसको डी पे करके करेंगे ड्राइव, इसको हमने कर दिया ऊपर। और ये सीट बेल्ट बोलने लग गया, सीट बेल्ट हमने लगा दिया, इसको भी करेंगे ऊपर। गर्मी बहुत ज़्यादा है और गाड़ी में फ्यूल फुल है, होए गर्मी बहुत गर्मी बहुत गर्मी बहुत गर्मी बहुत गर्मी। केरला रासा केरला, ये बस स्टॉप है और बस स्टॉप के अंदर भी दुबई में जो है ना एसी लगा होता है, फिर यह मॉल होता है। ओके पता नहीं वो भाई साहब किधर गए हैं जिनको हमने करना था फॉलो। गाड़ी अभी तक छुट्टी नहीं हुई, गर्मी बहुत है, दोपहर है, एक बज रहा है दिन का, नमाज हमने पढ़ ली थी मगरब की नहीं जोर की, तो उसके बाद हम जा रहे हैं देरा। ए आर टी जी डबल डेकर बस जा रही है, ओह से हम निकलते हैं बाहर, हमने जाना है नाइफ में। ये देखें ये आ गया मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन में भी मस्त भाई सब एसी चल रहा होता है, पेडेस्ट्रियन का बहुत ख्याल रखना है आपने, मस्त इनको रास्ता देना है। और ये तो ऐसे भी मेट्रो स्टेशन है, कैमरे भी लगे हुए हैं लाइव, और उसके अलावा कोई भी पुलिस हो सकती है यहाँ पे, और फाइन आपको आ सकता है। ओके गाड़ी के भी जो है ना एक अच्छी है, और बहुत ही जो है ना स्मूथ ड्राइव है इसकी। कैप्टिवा, कैप्टिवा नाम तो सुना होगा, ये हम
कहाँ पे पहुँच आए हैं? ये आ गए हैं जी हम बुर्जमान, बुर्जमान स्टेशन लिखा हुआ है, सीधा बुर्जमान स्टेशन की तरफ जा रहे हैं हम। पता नहीं जगह कौन सी है, बुर्जमान ही होगा, जब बुर्जमान स्टेशन आ गया तो बुर्जमान ही होगा। ओके ओके, सामने आरटी की गाड़ी, और ये लेफ्ट हो गया बर्दवे, सीधा अलखोर, राइट आउट मेदा, उद मेदा, पता नहीं क्या है, जो भी है जो भी है। ये है जी बुर्जमान मॉल, बुर्जमान मॉल। अभी मैंने ये, हाँ बुर्जमान आ गया ना, बुर्जमान मेट्रो स्टेशन है सारा, इस साइड भी है, उस साइड भी है, उस साइड भी है, उस साइड भी है। ये क्या है, एंट्रेंस है, मेट्रो स्टेशन जो है वो नीचे है, अंडरग्राउंड है, बाहर बाहर क्या, गर्मी बहुत है, जगह नहीं थी कि उन्होंने अंडरग्राउंड बना दिया सारा। मेट्रो भी इधर से नीचे से जा रही है ऐसे देरा की तरफ। नेक्स्ट स्टेशन इज बुर्जमान, उधर एक रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ है, मिस्टर चाट। अच्छा जी, तो भाई साहब बुर्जमान के बाद जो एरिया आता है वो आता है जी बर्दवे, और इस टाइम हम जा रहे हैं बर्दवे, बर्दवे नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं नाइफ, बर्दवे से हमने जाना है गुजर कर। और बर्दवे में भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, रश बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से गर्मी बहुत है, और गाड़ी हमारी अभी तक ठंडी नहीं हुई। 6 मिनट की ड्राइव बता रहा है, कोई आई थिंक 3-4 किलोमीटर। चेक करते हैं क्या सीन है। एक गाड़ी है किया पीगास, छोटी सी गाड़ी है, उसको लेके आना है हमने, उसको चेक करना है क्या मसला है उस गाड़ी का। अभी हम बर्दवे पहुँच आए हैं, ये सामने फिर मेट्रो स्टेशन है, पता नहीं ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है, और ये बर्दवे है, इधर ही कहीं जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, ये क्या है, बिरयानीस एंड बिरयानीस, 45 वराइटीज़ ऑफ बिरयानी, ओए होए होए, 45 वराइटीज़ ऑफ बिरयानी, कमाल हो गया फिर तो यार। ये क्या सीन है, गाड़ी अभी तक ठंडी नहीं हो रही, कोई और है इसका, इस पे चेक करते हैं। कंपार्टमेंट है बट इसमें कुछ भी नहीं है, क्या चीज है, क्यों बंद हो जाता फटाफट, देख भाई साहब। ओए लगे थी मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन है, बट उस पे पड़ जाना कॉपीराइट, हमने अभी बनानी है वीडियो, उसके बाद हमने देखना है सीन क्या है और क्या नहीं है। भाई साहब इसकी जो है ना लेग स्पेस और बैक सीट की देखें बहुत ही कमाल है, ट्रंक भी बहुत बड़ा है इसका, 6 सीटर तो नहीं, ओए हमारा सिग्नल गया खुल। ओके 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 ओके, स्टेशन होगा साथ साथ ही तो है, ये बुर्जमान के साथ ही तो है, इसका नाम नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा हमें, जो भी है मेट्रो स्टेशन है, दुबई मेट्रो का स्टेशन है, तो ये साथ साथ जो रेड ट्रैक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आरटीए की बसेस का ट्रैक है, येलो लाइन से आप उस साइड पे गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते, नहीं मतलब नहीं कर सकते, उस पे लिखा हुआ है ओनली बस एंड टैक्सी। ओके, कोई बैरियर शैरियर नहीं लगा हुआ, बट वो लिखा हुआ है इतना काफ़ी है, उस पे कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी, इधर सिग्नल बंद है, ट्रैफिक है, जो भी है आप उस साइड पर नहीं जा सकते। दुबई में ना गाड़ी के बगैर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बाकी मुल्कों में भी होगी, बट दुबई में गाड़ी के बगैर आप इधर से उधर नहीं जा सकते। जो लोग सफ़र करते हैं मेट्रो में, आरटीए बसेस में, टैक्सी तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है,
बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चार्जेस हैं उसके, और उसकी वजह से ये होती है। ये अभी बस वो देखे हम खड़े हैं और वो जा रही है शूटर। अच्छा तो बसेस में यार जो लोग कवर करते हैं बस का वेट करना पड़ता है। मेट्रो पे बस स्टॉप पे एसी तो लगा होता है बट फिर भी दायरा रूम से रूम पे तो नहीं आती ना, बस रूम से लेकर के बस स्टॉप तक तो जाना, तो उसमें भाई साहब हालत हो जाती है ख़राब। ओके गाड़ी की रेंज है 348 किलोमीटर और ये गाड़ी ऑलमोस्ट चली हुई है 48,000 किलोमीटर 49,000। AED क्यों लिखा हुआ है? हम लोग आते हैं पार्क में, शीशे हैं हमारे पास। ये आप चेक करें गाड़ी को, ठंडा नहीं कर रहा गाड़ी को अच्छी तरह से। ट्रैफिक गाड़ी वाले की वजह से सिर्फ हमारा बंद हो जाना था। हमें तो जाना है सीधा और सिग्नल फिर बंद हो गया। ये गाड़ियों वाले पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। ये देख लेना हालत टाइट हो जाती है गर्मी में भाई साहब, बाहर बंदे हर बंदा तो पसीने में डूबा हुआ है। आपको मैंने बता दी, इसका एक्सटीरियर भी आपने देख लिया और इसका इंटीरियर भी आप लोगों ने देख लिया है। और हमारे पास आईफोन तो है नहीं, मोबाइल में हम लोग बनाते हैं वीडियो और जैसी तैसी वीडियो बन जाती है। आपने फिर भी वीडियो को लाइक कर देना है ताकि जो है ना वीडियो के लाइक ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हम भी ले लेंगे आईफोन, फिर अच्छी अच्छी वीडियो आएगी आपके लिए। दुबई से बना है एग्ज़िट देरा की तरफ, बाहर बाहर से ट्रैफिक से आप बच जाते हैं और सीधा आप निकल आते हैं बाहर। फ्लाईओवर बना के इन्होंने इसको मिला दिया है जुमेरा रोड के साथ और आगे से ये जाता है इन्फिनिटी ब्रिज के ऊपर। ये इस साइड पे हमारे खड़ी हैं यॉट्स बड़ी बड़ी। ओके आपने देख ली हैं, उसके बाद हम जा रहे हैं अभी इन्फिनिटी ब्रिज की तरफ। अभी आपको दिखाते हैं जी इन्फिनिटी ब्रिज का व्यू कैसा है। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ है इन्फिनिटी का, न्यू बना अभी ये इन्फिनिटी ब्रिज दुबई में। न्यू तो नहीं है, एक साल हो गया आई थिंक, ऑलमोस्ट 1 year अगो दे बिल्ट दिस अमेजिंग स्ट्रक्चर साइन ऑफ इन्फिनिटी। ये टीगा रोड है और हम वहाँ थोड़ा सा ओवर स्पीड हो गए थे। ये देखें कमाल है कि नहीं, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। बट और इधर जा रही है पुलिस अंकल की गाड़ी, जिसकी वजह से हम कर लेते हैं गाड़ी को स्लो। से हमने इन्फिनिटी ब्रिज के बाद लेना है एग्जिट, ये है हयात रेजेंसी। प्यारी बिल्डिंग है, ये भी बहुत ही फेमस और पुरानी बिल्डिंग है नाइफ में। नाइफ आई थिंक कॉर्निश है, ये डेरा कॉर्निश वाली साइड पे है और सामने आ गया सारा नाइफ। अभी हम जा रहे हैं नाइफ के अंदर एंटर होंगे हम। यहाँ से सिग्नल हमारा खुला है और
फोर, 1, 2, 3, 4 और हम एंटर हो गए नाइफ में। यहाँ से हमने जाना है सीधा और अगेन सिग्नल हमको मिल गया खुला, ग्रीन सिग्नल कितने प्यारे होते हैं। ओके ये सारा है नाइफ लाइक, यहाँ पे क्या है होलसेल मार्केट्स हैं, होलसेल शॉप्स हैं, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी होलसेल पे दुबई में, आपको जो भी चीज़ें चाहिए होलसेलर पे वो आपको नाइफ में मिलेंगी, इवन वो मोबाइल फोन हैं, कुछ भी है यार, कुछ भी यूज चीज़ें भी आपको नाइफ में मिलेंगी और ये भी होल सेल पर भी जो है ना सारी चीज़ें आपको नाइफ में मिलेंगी। नाइफ में भी ट्रैफिक बहुत होता है, गलियाँ छोटी छोटी हैं, रश होता है, ये चक्कर है थोड़ा सा। नाइफ के बाद हो जाता है स्टार्ट मदीना, अल नहीं नहीं मदीना मदीना ही है ना, और डेरा है डेरा, ये सारा इस साइड पर डेरा है, डेरा में ये जगह का नाम है मदीना, मदीना पार्क और ये सारा कुछ आता है इसमें। ये है जी क्या नाम है इस जगह का पता नहीं क्या नाम है, इस ये ईदगाह है, ईदगाह यस, इस जगह का नाम है अलबराहा, अलबराहा यस, ये अलबराहा की ईदगाह है डेरा में, बहुत बड़ी ईदगाह है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है ईद के दिन यहाँ पे। यार नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, पता नहीं क्या वजह है, क्या वजह है, क्या वजह है, रात को इतना ज़्यादा सोया मैं फिर भी नींद आ रही है। अगेन सिग्नल खुल गया है और हम इस टाइम जा रहे हैं नाइफ के अंदर, नाइफ को आपको करवाते हैं विजिट। ये है जी बुर्ज नहार मॉल, बुर्ज नहार मॉल ओके, सारा तो ये कवर कर लिया है नेस्टो ने, नेस्टो मॉल बन गया ये बुर्ज नहार मॉल की जगह। गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, बट वहाँ पे अभी हमें पार्किंग नहीं मिलेगी, इस गाड़ी का मसला है कुछ इंडिकेटर बंद नहीं होता जो लगा दो आपको यह साइड टर्न करने से बंद नहीं होता, ये देखो टक कर देता है बट इंडिकेटर बंद नहीं होता, इसकी क्या वजह है, इतनी ज़्यादा पार्किंग है यहाँ पे, हमें पार्किंग मिल जानी चाहिए बट नहीं जी भाई साहब, आज संडे है तो पार्किंग मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये देखें एक गाड़ी निकली और दूसरी गाड़ी कर रही थी वेट, कितने निकली वो गाड़ी, ये क्या सीन है, क्या सीन पार्ट है।
पार्किंग नहीं है, ये मसला है। आज संडे की वजह से पार्किंग फ्री है, तो पार्किंग फ्री नहीं होनी चाहिए संडे को, पार्किंग नहीं होनी चाहिए, लिखना चाहिए इनको।